नमस्कार, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिव शुक्ला। जब भी किसी भी राज्य में कोई भी सरकार आती है तो किसान सरकार से काफ़ी सारी अपेक्षाएं लगा लेते हैं। कुछ इसी तरह झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद यहां के किसानों ने यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपेक्षाएं लगा रखी थी कि राज्य में किसानों को जल्द ही कर्जमाफ़ी की खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड में किसानों के लिए जल्द ही कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। वहीं किसानों को सरकार से आस है कि सरकार जल्द ही उनके लिए योजनाओं का विस्तार करेगी और उनकी आय बढ़ाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार हर संभव कोशिश भी करेगी। वहीं अभी से ऐसा भी माना जा रहा है कि सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला सकती है, साथ ही जमीन का निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण भी बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कर्ज माफी की जा सकती है, जबकि बहुचर्चित योजना मनरेगा में 100 दिनों की बजाय न्यूनतम 150 दिन का काम सुनिश्चित किया जा सकता है। इन सब के अलावा स्वरोजगार के लिए भी सरकार 15,000 रुपये का अनुदान देने की घोषणा कर सकती है। हालांकि अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में सरकार किसानों के लिए किन किन योजनाओं की शुरुआत करती है। बीते साल केंद्र सरकार ने देश के किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत किसानों को 3 किस्तों के तौर पर सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन जहां एक तरफ कई राज्यों के किसानों को बीते साल की 3 किस्तों का लाभ मिल चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ कई किसान ऐसे भी हैं जो अपनी कागजों में हुई गड़बड़ी के कारण या फिर कई और दूसरी कठिनाइयों के चलते इस योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाए। और तो और, ऐसे किसानों को ये तक नहीं मालूम होता कि आखिर वो ऐसी स्थिति में करें तो करें, बस अपनी परेशानियों को लिए वो इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किसानों की इन समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का एक टोल फ्री नंबर 1-55-261 जारी किया है। इस नंबर के जरिए किसान योजना से जुड़ी अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं, चाहे वो समस्या योजना के पैसों से जुड़ी हो या फिर आपके लिए कागजों की गड़बड़ी से। यानी कि कुल मिलाकर अब किसानों के लिए योजना से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाना आसान हो गया है। मौसम के बदलते मिजाज ने जहां एक तरफ पर्वतीय इलाकों में बर्फ की मार से लोगों को बेहाल कर दिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश और कुछ जगहों पर हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि बीते रोज उत्तर प्रदेश के राठ में ओलावृष्टि के चलते किसानों की खेत में खड़ी फसल चौपट हो गई। आपको बता दें कि ओलावृष्टि से बहगांव और सरसीड़ा माफ मौजा गांव के करीब 200 से ज़्यादा किसानों की फसल ओला गिरने से बर्बाद हो गई। रात में हुई इस ओलावृष्टि से जब अगले दिन किसान खेतों में पहुंचे तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी सूचना वहां के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और तहसीलदार को दी गई। सूचना मिलते ही उन्होंने वहां पर जाकर किसानों की खराब हुई फसलों को देखा और हर संभव मदद की दिलासा भी दी। आपको बता दें कि रात में हुई ओलावृष्टि को देखने जब किसान खेतों में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेतों में ओले की मोटी परत जम गई थी, जिसके चलते गेहूं, चना, मटर के साथ सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। यही नहीं, इन ओलों से किसानों की सरसों की फसलों को भी काफ़ी क्षति पहुंची, क्योंकि ओलों के चलते सरसों और लाही के पौधे टूट गए। वहीं बहगांव के प्रधान चंद्र प्रकाश की माने तो उन्होंने कहा कि करीब 1,000 बीघे में खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसके लिए हमने कानून को रमेश चंद्र सोनी सहित लेखपालों को भी मौके पर बुलाया और मुआयना कर मुआवजे की मांग की। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह बने रहें आप हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ग्रीन टीवी इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। बने रहें वहीं आप हमारे साथ। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।